नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अस्थाकाइन सिरप का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, अस्थाकाइन सिरप को कैसे लेना चाहिए और अस्थाकाइन सिरप की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि अस्थाकाइन सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अस्थाकाइन सिरप का उपयोग बलगम वाली खांसी को ठीक करने के लिए किया जाता है। अस्थाकाइन सिरप बलगम को पतला करती है और फेफड़ों में जमा बलगम को बाहर निकालने में मदद करती है और खांसी को ठीक करती है। इसके अलावा अस्थमा और COPD से पीड़ित व्यक्तियों को भी डॉक्टर अस्थाकाइन सिरप को लेने की सलाह दे सकते हैं। अस्थाकाइन सिरप वायुमार्ग की मांसपेशियों को रिलैक्स करके और फेफड़ों के सांस लेने के रास्ते को चौड़ा करती है, जिसकी वजह से अस्थमा और COPD से पीड़ित व्यक्तियों को सांस लेने में आसानी हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में अस्थाकाइन सिरप की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में अस्थाकाइन सिरप की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे मुंह में सूखापन, सिरदर्द होना, भूख कम लगना, शरीर में थकान व सुस्ती होना, कब्ज होना, दस्त होना, पेट में दर्द, त्वचा पर खुजली, त्वचा पर रैशेस, उल्टी आना और उल्टी आने का मन होना आदि साइड इफेक्ट्स अस्थाकाइन सिरप की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि अस्थाकाइन सिरप को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। अस्थाकाइन सिरप को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर 6 साल से लेकर 11 साल के बच्चों को डॉक्टर 5 मिलीलीटर अस्थाकाइन सिरप को दिन में 2 बार लेने की सलाह दे सकते हैं और 12 साल से लेकर 17 साल के बच्चों को डॉक्टर 5 मिलीलीटर अस्थाकाइन सिरप को दिन में 3 बार लेने की सलाह दे सकते हैं और 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को डॉक्टर 10 मिलीलीटर अस्थाकाइन सिरप को दिन में 2 से लेकर 3 बार लेने की सलाह दे सकते हैं। अस्थाकाइन सिरप की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको अस्थाकाइन सिरप को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि अस्थाकाइन सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। बलगम को बाहर निकालने के लिए और खांसी को जल्दी ठीक करने के लिए आपको अस्थाकाइन सिरप के साथ साथ हर रोज दिन में 2 से लेकर 3 बार गर्म पानी की भाप लेनी चाहिए और बर्फ व ज्यादा ठंडे पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको अस्थाकाइन सिरप को लेने से पहले बोतल को अच्छी तरह से हिला लेना चाहिए और उसके बाद ही अस्थाकाइन सिरप को लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को अस्थाकाइन सिरप या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को अस्थाकाइन सिरप का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए अस्थाकाइन सिरप का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है। अभी इसके बारे में पर्याप्त डेटा अवेलेबल नहीं है कि अस्थाकाइन सिरप स्तनपान करा रही महिलाओं को नुकसान पहुंचाती है या नहीं, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को अस्थाकाइन सिरप को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका अस्थाकाइन सिरप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।